मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत रहली थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। महिला पर चरित्र संदेह करते हुए इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस आदमी ने जब उसकी हत्या की तो ये नज़ारा उसकी 13 साल की बच्ची ने देख लिया और उसी की गवाही के आधार पर पति के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए अब उसे जेल भेजा गया है। मामला रहली थाना क्षेत्र के ग्राम पटना बुजुर्ग का है, जहां बीते रोज सोनू विश्वकर्मा नाम की महिला को उसके पति कोमल विश्वकर्मा ने मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में कोमल विश्वकर्मा की 13 वर्षीय बेटी दीपाली विश्वकर्मा ने अपने नाना को बताया कि उसका पिता माँ के साथ लगातार मारपीट करता था। इसी गवाही के आधार पर आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले में रहली थाने के जांच अधिकारी संजय बघेल ने जानकारी दी। दिनांक 11 तारीख की बात है, फरियादी करण विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर सोनू विश्वकर्मा निवासी पटना बुजुर्ग के गला दबाकर हत्या करने पर उसके पति के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। आरोपी कोमल विश्वकर्मा को जेल दाखिल किया गया, गिरफ्तार कर दिया गया। ये चरित्र संदेह पर से उसने गला दबाकर हत्या की।